सवे साहूडम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, पंच परमेष्ठी भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्य श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्रेष्ठ विभंजन सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। महान भाव देवेंद्र नगर में आगमन हुआ और पहले से चतुर्विध संघ यहां पर विराजमान है। किसी ने मुझसे आके कहा, बोले आपके आगमन से संख्या पूर्ण हो गई। मैंने कहा कैसे? तो बोले 49 पिछी थी और 2 पिछी आपके आ गई तो 51 पिछी हो गई। अंक पूर्ण हो गया, शुभ हो गया, मंगल हो गया और मेरा आगमन पूज्य आचार्य श्री की आज्ञा से हुआ। जब मैं श्रेयांश गिरी में था तो श्रेयांश गिरी में आचार्य श्री ने भैया लोगों को भेजा और बोला, उन्होंने कहा, आदेश दिया कि अरहंत और सिद्ध मंदिर जी में विराजमान है, आचार्य और मुनि मंच पर विराजमान है, देवेंद्र नगर में उपाध्याय कमी है, आ जाओ। ऐतिहासिक पंच कल्याणक होगा कि पांचों परमेष्ठी के सानिध्य में पंच कल्याणक संपन्न होगा, ऐसा आचार्य श्री ने कहा। बस बड़े भाइयों का तो एक शब्द ही काफी हुआ करता है। आचार्य श्री ने बोला और बस मेरे कदम देवेंद्र नगर की ओर बढ़ गए। कल सलेहा में थे और आज देवेंद्र नगर में पूज्य आचार्य श्री के चरणों में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। संतों का काम ही ये चलना। कहते हैं संत कभी ठहरते ही नहीं है, और मैं भी अक्सर कहता हूँ कि संत समय सड़क सरिता और सूर्य कभी किसी एक के नहीं होते। संत सरिता सड़क सूर और समय कभी किसी एक के नहीं होते, कभी एक जगह ठहरते नहीं है, निरंतर गतिमान रहते, निरंतर गमन करते रहते हैं। सरिता है तो निरंतर बहती रहती है और जब बहती रहती है तो स्वच्छ रहती है, निरंतर चलती रहती है तो स्वच्छ रहती है। उसका पानी किसी एक के लिए नहीं होता है, उसका पानी सबके लिए हुआ करता है। ऐसे ही संतों का काम निरंतर चलना है। अगर संत एक जगह ठहर जाएं, लेकिन इतना भी नहीं चलना चाहिए। आज देवेंद्र नगर में है, 26 तारीख को पंचगण समाप्त होगा, 3 तारीख को जबलपुर में मंगल प्रवेश हो जाएगा, इतना भी नहीं चलना चाहिए, कुछ ज्यादा ही हो जाता है। चलना होता है, संतों का काम चलना होता है। सरिता की भांति संत भी निर्मल होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, उनका गमन निरंतर चलता रहता है। संत अगर एक जगह रुक जाए, जैसे पानी एक जगह रुक जाए तो पानी सड़ जाता है, पानी एक जगह रुक जाए तो पानी सड़ जाता है, पानी निरंतर बहता रहे तो स्वच्छ रहता है। ऐसे ही संत निरंतर चलते रहते हैं इसलिए स्वच्छ रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। सूर्य निरंतर चलता रहता है, निरंतर गतिमान रहता है और उसका प्रकाश सबके लिए बराबर होता है, समान होता है। ऐसा नहीं कि अमीर के यहाँ ज्यादा सूर्य का प्रकाश दे दे और गरीब के यहाँ कम दे, ऐसा नहीं होता। वहां पर निरंतर सबको प्रकाश मिलता है, ऐसे संतों का आशीर्वाद सबको बराबर मिलता है। सड़क किसी एक की नहीं होती है कि गाड़ी वाला केवल चलाएगा, स्कूटर वाला नहीं चलाएगा, सड़क सबके लिए होती है और निरंतर गतिमान होती है, ऐसे ही संतों का काम होता है। और समय, समय कभी किसी एक का नहीं होता, वो भी निरंतर चलता रहता है, निरंतर गतिमान रहता है और किसी के लिए ठहरता रुकता नहीं है, ऐसे ही संतों का काम होता है, निरंतर गतिमान ऐसे संत हुआ करते हैं। संत और श्रावक में ज्यादा अंतर थोड़ी होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। संत वो होता है जिसका मन टिक गया हो,
पर पैर नहीं टेके हो वो संत होता है। और श्रावक वह कहलाता है जिसका पैर टिक गया हो पर मन नहीं टिक पाए वो श्रावक कहलाता है। श्रावक का पैर टिक गया अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी दुकान के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, पैसे के प्रति, अपने धन दौलत के प्रति उसका पैर टिक गया है। वो कहीं आगे नहीं जाना चाहता है लेकिन उसका मन नहीं टिका। इसलिए तो आप लोग अक्सर कहते हैं पूजा करते हैं तो मन नहीं लगता है, स्वाध्याय करते तो मन नहीं लगता है, कोई भी क्रिया करते तो मन नहीं लगता है। मन लगे कैसे जब 24 घंटे घर गृहस्थी में फंसे रहेंगे तो मन लगेगा कैसे, लग ही नहीं सकता। तो आपका मन नहीं टिक पाया लेकिन संतों का, तो संतों का मन टिक गया है। मन थिर, मन स्थिर, मंदिर का काम होता है मन थिर, जहां पर मन स्थिर हो जाए वो मंदिर कहलाता है। संतों ने अपना मन टिका लिया देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति। जहां मन स्थिर हो जाए भाई मन एकाग्र साधु ही कर पाता है, पैर नहीं टिके लेकिन निरंतर पैर चलते रहते हैं। आज से कल वहां, आज वहां निरंतर। मेरा चतुर्मास दिल्ली में हुआ था, आज यहां पर बैठा हूं और अगला चतुर्मास सम्मेलन से करने के लिए जा रहा हूं। निरंतर गतिमान चलना ही है साधु का काम। एक जगह ठहर गया, एक बार आचार्य जी का मैं शास्त्र पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था अगर साधु एक जगह रुक जाए तो कितना नुकसान होता है उसके लिए। राग बढ़ जाता है, क्षेत्रों की वंदना नहीं हो पाती है, प्रकृति का ज्ञान नहीं हो पाता है अगर वो एक जगह ठहर जाए तो। और अगर चलता रहे तो नए नए तीर्थ क्षेत्रों की वंदना होती है और नई नई पहचान होती है, प्रकृति का ज्ञान होता है, ज्ञान बढ़ता है और राग समाप्त होता है। इसलिए साधु को चलते रहना चाहिए। महानुभाव पूजाचार्य से का आदेश हुआ और वात्सल्य है, इतना वात्सल्य, इतना वात्सल्य है और पूरे संघ के प्रति वात्सल्य है। हम लोग तो बड़े भैया कहते हैं और उनका इतना वात्सल्य कि अगर वो एक शब्द बोल दे पूरे संघ के किसी भी साधु को तो भाई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भी होगा ना तो वो भी चलकर जरूर आएगा। इतना वात्सल्य है। और केवल साधु के प्रति नहीं श्रावकों के प्रति भी है इतना वात्सल्य, इतना वात्सल्य कि जो इतना बड़ा संघ आपको देखने नजर आ रहा है ये सब वात्सल्य का ही नतीजा है। ध्यान रखना आचार्य जी ऐसे ही हाथ थोड़ी पकड़ते किसी का, जिसका हाथ पकड़ लिया ना उसका नंबर यहाँ आने वाला है समझ लो। इसलिए समझ के लेना देवेंद्र नगर वालों, संभल के रहना। यहाँ किसका हाथ पकड़ रहे हैं, ज्यादा हाथ पकड़ रहे हो ना जिसका उसको संभाल के रखना वरना यहाँ आने वाला उसका नंबर। यही वात्सल्य, यही प्रेम, यही स्नेह कहलाता है। और संत श्रावक को आशीर्वाद देता है। पंच कल्याणक महोत्सव यहाँ पर चल रहा है। धर्मचंद जी बस 2 मिनट और, मैं देख रहा हूँ पुराने परिचित है, भाई पड़ोसी है, दिल्ली में मैं अधिकांश रहता हूँ, दिल्ली के पड़ोसी है तो मैं देख रहा हूँ वो देख रहे हैं कि बस मुनिराज समय हो रहा है। हाँ बिल्कुल समय हो रहा है, समय सबका हो रहा है, निश्चित हो रहा है। पंच कल्याणक महोत्सव क्या, पंच कल्याणक महोत्सव देखिए 5 दिन में एक पाषाण परमात्मा बन रहा है। एक पाषाण जिसको पाषाण कहा जाता था, खदान में पड़ा रहता था, शिल्पीकार की नजर पड़ गई, उस पाषाण को उठाकर लाया अपने घर पर लाकर पटक दिया। उस पाषाण का समर्पण देखो शिल्पीकार के प्रति, शिल्पीकार उस पाषाण पर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद ठोक पीट करता है, छेनिया तोड़ा मारता है, खूब मारता है, खूब मारता है। लेकिन पत्थर का समर्पण देखिए इतना समर्पण होता है कि वह धीरे धीरे उस शिल्पीकार की नजर से एक पाषाण प्रतिमा का रूप बन जाता है, मूर्ति का रूप बन जाता है। और वह मूर्ति जब उसमें कोई चिन्ह अंकित कर दिया जाए तो प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और फिर जब आप बाजार से लाकर पंच कल्याणक में रख देते हो तो 5 दिन में ऐसे उस पाषाण पर संस्कार पड़ते हैं कि आज गर्भ कल्याणक हो जाएगा, कल जन्म कल्याणक हो जाएगा और परसों भगवान की दीक्षा हो जाएगी और 4थे दिन केवल ज्ञान और 5वें दिन मोक्ष हो जाएगा। कल तक जो पाषाण था 5 दिनों के अंदर वो परमात्मा का रूप ले लेगा और ऐसा परमात्मा का रूप कि उसके पैर छूने के लोग तरसेंगे कि हम भी पैर छू लें, हम भी पैर छू लें। तो महानुभाव संस्कार का इतना बड़ा खेल है, इतना बड़ा खेल है। कल तक जो आपके बीच में बैठते थे कौन से, यत्न सागर जी,
और विनिमेश सागर जी आपके साथ बैठते थे देवेंद्र नगर के नगर गौरव, कल तक आपके बीच बैठते थे और आज मंच पर आपसे इतने ऊपर बैठे हुए हैं। ये संस्कारों का खेल है। आचार्य जी ने संस्कार कर दिए तो वो परमेष्टि के रूप में आज मुनि पद पर साधु परमेष्टि के रूप में आप राजवान है, और वही संस्कार उस पाषाण पर पड़ेंगे तो पाषाण भी परमात्मा का रूप ले लेगा। वही तो पंच कल्याणक है। इस पंच कल्याणक में पाषाण परमात्मा बनता है, उसके बीच आपको भी संस्कार मिलते हैं कि आप भी आगे बढ़े, एक जगह ठहर कर